कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, वही हाल हो गया है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में भीषण तबाही शुरू हो चुकी है। इंडोनेशिया ये सोच रहा था कि वो भारत को और एशिया के उन देशों को परेशान करेगा, लेकिन उसकी नीतियां खुद के ऊपर ही बहुत भारी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से चीन का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? चीन भारत के लिए भिड़ पड़ा है वेस्टर्न देशों से, यूरोप से, और कह रहा है भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। और आपको बता दें, अभी इस तरीके के बहुत सारे सपोर्ट चीन से भारत को मिलने वाले हैं। पर ऐसा क्यों अचानक से 6 बटालियन भारत ने सीमा पर भेज दिए? फिर चीन ऐसी बातें क्यों कर रहा है? और लिख लीजिए, अभी ये बातें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। जानेंगे क्या है मामला, क्यों अचानक से चीन भारत के लिए भिड़ रहा है यूरोप से और अमेरिका से। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इंडोनेशिया की सरकार ने जड़ पर इलाज नहीं किया, बल्कि केवल डाल और पत्तियों का इलाज किया, और उसी का असर ये हो रहा है कि इंडोनेशिया की सरकार की सारी नीति उनके खिलाफ पड़ रही है। जैसे कि हमने देखा, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। हालांकि भारत सरकार और इंडोनेशिया के बीच कुछ बातें हुई, जिसके बाद कच्चे पाम पर जो बैन था उसे हटाया गया। यानी कि आप यहां से ले जाओ फल और ले जाकर यहां से रिफाइन कर लो। किसी भी देश की जो इन पर पाम ऑयल की खरीद के लिए निर्भर थे, ऐसा नहीं है कि आज कुआं खोदा और तेल निकाल लिया। इसके लिए तो बरसों की मेहनत है, पेड़ लगाओ, फिर फल आएंगे, फिर उन फल पकेंगे, फिर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। मतलब ये हो गया एक बहुत ही लंबा गेम जो पाम ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर निर्भर थे उन देशों के लिए। पर आखिरकार इंडोनेशिया ने ये बैन लगाया क्यों था? तो आपको बता दें, इंडोनेशिया ने ये बैन लगाया था इसलिए क्योंकि उसके खुद के मार्केट में पाम ऑयल की जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी और उसकी कीमतों में उछाल रहा था। पाम ऑयल की डिमांड इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि ईंधन की बचत करने के लिए इंडोनेशिया ने बायोडीजल बनाया और बायोडीजल में पाम ऑयल की एक बड़ी मात्रा लगने लगी। अब असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इंडोनेशिया के अंदर काला बाजारी छाने लगा। पाम ऑयल एक बहुत बड़ा रोजगार है इंडोनेशिया के लिए, और जितना बड़ा रोजगार है, जितना बड़ा सिस्टम है, करप्शन भी उतना ही बड़ा है। हलचल मचने लगी इंडोनेशिया की सरकार को। ये लगा कि इतनी जल्दी से हम करप्शन तो मिटा नहीं सकते हैं, हम समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, महंगाई अगर बढ़ती गई अपने देश में तो विरोध की भावना आएगी, और विरोध की भावना आएगी तो फिर सारे किसान वगैरह और लोग जो आम जनता है सब भड़क उठेंगे। ऐसे में इंडोनेशिया की सरकार को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने क्या किया, सीधे से एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। उनका मानना था और सोचना ये था कि हम अगर एक्सपोर्ट पर बैन लगा देते हैं तो हम बायोडीजल बनाएंगे भी तो भी बच जाएगा तेल, और जब व्यापारियों के पास तेल बच जाएगा तो वो जाएंगे कहाँ, बाहर बेच नहीं सकते हैं, ऐसे में यहाँ पर ही बेचेंगे, और जब मात्रा ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक तरीके से इनके दाम हो जाएंगे कम और सारा कुछ सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंडोनेशिया की सरकार कर गई और भी बड़ी गलती। पहली बात तो ये जानिए, जहाँ एक बार काला बाजारी वगैरह घुस जाती है वहाँ समस्याएं बहुत जल्दी खत्म नहीं होती है। इस एक्सपोर्ट बैन के बावजूद इंडोनेशिया में पाम ऑयल की कीमतों में कोई गिरावट नहीं आई। अब उल्टा ये हो गया है कि आम जनता के साथ साथ किसान भी भड़क रहे हैं, और किसान का ये कहना है कि पहले जो हमें 4,000 रुपया में, जो इंडोनेशिया की करेंसी है, पर केजी फ्रेश फ्रूट बेचने का मौका मिलता था, अब हमें सीधे आधी कीमत 2,000 में बेचने का मौका मिल रहा है। कि जब हम मार्केट में पाम ऑयल खरीदने जाते हैं तो हमें 3 गुना 4 गुना ज्यादा दाम देकर खरीदना पड़ता है। 1,60,00,000 लोग हैं जो खास तौर पर अपनी जिंदगी पाम की खेती कर गुजारते हैं। अब हुआ ये है कि जब से बैन लगा है,
तब से व्यापारी और भी ज्यादा नखरे दिखा रहे हैं पाम ऑयल के फ्रूट्स की खरीद में, फलों की खरीद में। वो इन किसानों को कहते हैं, फ्रेश है, बेचोगे तो बेचो, वैसे भी बाहर नहीं जा रहा है, नहीं बेचोगे तो तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में उनको किसी भी केस में देना ही पड़ रहा है। अब इसका असर सीधे इंडोनेशिया की इकोनॉमी पे ऐसे पड़ा है कि उसके रुपया में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यानी इंडोनेशिया की सरकार ने जो कुछ भी किया उसका ढाक का 3 पात हो गया। इसे कहते हैं, विदेश नीति जब भी बनाओ तो बहुत सोच समझ कर बनाओ। जो करेंसी आती बेचने के बाद देश को, वो भी नहीं आई, और ऊपर से अपने देश में महंगाई भी कंट्रोल नहीं हुआ। यानी कि इंडोनेशिया ने जड़ पर वार नहीं किया, जड़ से इलाज नहीं किया। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़े आश्चर्य वाली घटना हुई है, और ये घटना हुई है चीन को लेकर। अब तक चीन कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें भारत का साथ देता हो। भारत के खिलाफ खड़े होने की बात हो तो चीन बेहद आगे खड़ा मिलता है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इस वक्त भारत ने जो किया है वो चीन की मोनोपोली को खत्म करने के लिए किया है, और इसके बावजूद चीन भारत के लिए यूरोप और अमेरिका से भिड़ गया है। मामला क्या है तो आपको बता दें, जैसे ही भारत ने अपना दिमाग लगाया है, दुनिया को एक बड़ी हलचल का एहसास होने लगा है। भारत के एक्सपोर्ट बैन लगाने के बाद जो प्राइस है गेहूं की, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है। अब भारत ने एक्सपोर्ट बैन लगाया और रूस और यूक्रेन दोनों उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं और न ही दुनिया भर को बेच रहे हैं। भारत के इस बैन के बाद तुरंत से मार्केट बदल गया। हालांकि आपको बता दें, थोड़ी सी यहाँ पर समस्या है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं और बातें कुछ और फैल रही है। भारत ने एक्सपोर्ट बैन लगाया है लेकिन सरकारी तौर पर नहीं लगाया है, यानी सरकार से सरकार की बात होगी तो बिक्री होगी, यही सीन किया है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया से लेकर यूरोप तक ये दिखला रहा है कि नहीं, भारत ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया इसलिए अचानक से रेट बढ़ गया है और भारत पैदा कर रहा है खाद्य संकट। वैसे आपको बता दें, चीन जैसे ही भारत ने एक्सपोर्ट बैन लगाया वैसे ही बहुत बड़े झटके को महसूस किया। लेकिन चीन को मिला ये झटका, चीन सह गया। झटका ये मिला कि जब एक्सपोर्ट बैन नहीं लगा था तो चीन पूरा जमाखोरी कर रहा था गेहूं का और उसे ऊंचे दाम पर बेचता है। लेकिन जैसे ही भारत ने बैन लगाया वैसे ही ये खरीद हो गई मुश्किल, और मुश्किल खरीद होने के बाद चीन को समझ में नहीं आने लगा कि चीन करे क्या। ऐसे में चीन ने रास्ता चुना कि वो भारत की तरफ खड़ा होगा। चीन ने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत जो निर्णय ले रहा है वो बिल्कुल सही है, भारत अपनी सिक्योरिटी पहले देखेगा। ग्लोबल टाइम्स ने आर्टिकल छापने शुरू कर दिए, और आपको बता दें इस तरीके के आर्टिकल बहुत सारे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आखिरकार चीन को भारत से चाहिए गेहूं, और ऐसे में चीन धीरे धीरे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात भी करेगा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।